देता हूं अनमोल तुझे 1 लाख रुपए। तुमने फिर बात पलट दी कि नहीं शर्त है। पहली हाँ चीज तो सर, जिसको देने होते हैं ना पैसे, या हाँ तो पहली चीज तो वो ये डबल आपने एक लाइफ पे जिसको होल्ड पे देने भी होते हैं बोला। पैसे वो देता ही है। नहीं, मैं सूफी ने बोला मैंने देने ही नहीं है। मैंने कहा मैं ये पैसे, सूफी ने नहीं, सॉरी राठी ने बोला पैसे देने ही नहीं है भाई, तू बीच में क्यों पड़ रहा है। वो रिकॉर्डिंग नहीं तो आपको शेयर भी कर हाँ देता हूँ तो मैं बस फिर वो तुम बीच में क्यों पड़ रहे हो, वही तो मैं पहले बात भाई। कही। मेरे को दुख है ना, मेरी भतीजी को कोई गाली दे, कोई मेरी भाभी, मैं भाभी को हम माँ समझते हैं पंजाबी लोग, तो भाई कोई मेरी भाभी को गाली दे, कोई भतीजी को गाली दे, हमें दुख लग रहा है ठीक है। और मेरा राठी से मेरा बहुत अच्छा रिलेशन है, गोल्डी भाई ने भी देखा है, ये गोल्डी रसाना ने भी देखा, हमारे पास रहा है, मेरा वो कैसा अभी रिलेशन है मैं भाई। अभी 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 मैं तक एक तुम बार भाई कहाँ के थे, घर गया हुआ अभी हूँ, 1 मिनट, अभी तक तुम कहाँ थे? 3.5 महीने से वो कंटिन्यूअसली गाली दे रही है। मेरे को नहीं पता, मैं 3.5 महीने से मैं लाइव में भी नहीं था भाई। आपने कभी देखो मैं कहीं दिखा हूं तो आपको, नहीं, मेरे को लाइव पे तो नहीं है पंद्रह गुरप्रीत। दिन अभी हाँ गोलू भाई, ये 15 दिन लाइव से पे नहीं लाइव, था गुरप्रीत, अभी आ रहा है तो 15-20 दिन से। मैं बिल्कुल लाइव पे नहीं था, बिल्कुल लाइव नहीं, मैं बिल्कुल लाइव पे नहीं आता था। और सुन लो मेरी बात, मैं दिवाली के लिए 2 दिन के लिए मैंने ये, बाकी मेरे बच्चों ने मना कर दिया था, फिर भी मैं आ गया। मेरे को कोई फोन आया तो राठी की मेज होती है, ये लोग नहीं जानते, हरसाना भाई जानता है, जहां मिले हमें पता उसकी क्या वैल्यू, हम तो कह रहे हैं उसकी राम राम बेइज्जती हो भाई, रही है रुक, भाई, उसकी एक मिनट में बेइज्जती हो आएंगे। रही है भाई, उसकी बेइज्जती हो रही है, तो हमने हामी भर दी भाई। सूफी मैंने ये, वो उसने ये भी, हमने ये भी कहा कोई बात नहीं, तो राठी भाई मैं तेरी मेरी घर की बात है, मैं दे दूंगा भाई। अब मैं देने तो ध्यान तो जाऊंगा नहीं, और सही बात वो चाहिए तो भाई दो बंदों का नाम ले, कोई सा ले जाओ भाई। मैं तो ये तो नहीं कह रहा आधे रास्ते वो आ जाए, आधे रास्ते में हम आ जाते हैं, ले जाए पैसे। गोल्डी भाई ठीक कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ हरसाना जी? है, सही बात है। वहां परोड़ी भाई ने बोला चलो जयपुर हो ना, फिर बोला अभी वो क्या नाम है गुजरात वाले भाई का, ये दिल्ली से बाहर। अब मैं तो दीदी ने कह रहा मेरे घर आओ, हम तो कह रहे सूफी का चंडीगढ़ वाले घर चले जाते हैं सही बात है पैसे। अब मैंने तो कोई कर्जा नहीं अरे लेना भाई, भाई, हमारा कोई मतलब नहीं। मैं भी बहन चो किन चूतियों के बीच में पड़ गया ना, मेरा मतलब ना, मुझे 1 रुपये का फायदा। मैं खुद अपना काम का एनर्जी टाइम इन चूतियों में खराब नहीं। करूं? अरे मत पहलवान दो, जी, डार्लिंग जी, बात तो सुनो बात बोल आप, दो पैसों की, मत अरे दो। बात तो सुनो डार्लिंग जी, बात तो सुनो। ये इंस्टाग्राम का ये वो बना हुआ है सूफी, वो क्या बोलते हैं इसको, जज लगा लो ये क्या, पहले सबका ही रिकवरी एजेंट है क्या? ठेकेदार 80,000 रुपये परोनी का ये दिलवा रहा है, आदित्य ने खा लिए, वो चैन के पैसे दिलवा रहा है, छह हजार सूफी सुमी नारंग के सूफी मेरे मुंह पे आदित्य के लिए कुछ कह रहा है ठीक है। भाई। ये एक तो बार मुझे स्क्रिप्टेड लाइव लगती है कि सही में तेरे को 80,000 रुपए देने हैं आदित्य। नहीं, मैं लाइव पे एक बात बोलता हूँ। मैंने गोल्डी भाई की एक आदित्य लाइव देखी थी अभी, गोल्डी पहलवान भाई की, थोड़ी देर पहले। इस इंस्टाग्राम पे 100 में से 90% लोग हवाबाजी करते हैं, नो डाउट। आज मैं एक और बात बता दूं, गोल्डी भाई आप पैसे वाले हो। लोग मुझे बोलते हैं मैं किसी से पेटीएम मांगता हूँ, भिखारी हूँ। मुझे कोई सिंगल बंदा ये बता दे कि आदित्य बालियान ने किससे आज तक पैसा लिया है और किससे मांगा है। भाई मैंने अरे किसी से कोई भाई, पैसा नहीं अरे मांगा। भाई, एक चीज है, पैसे वाले हर कोई है, बट मैं किसके घर में राशन थोड़े ना डाल रहा हूँ। मैं नहीं अपना मैं घर चला नहीं रहा नहीं हूँ, अरे नहीं मैं सुनो तो काय का सही। पैसे वाला हूँ, नहीं, अरे मैं अपना गोल्डी भाई घर मेरी बात चला तो रहा हूँ, मैं सुनो, अपना आप मेरी बात तो सुनो। गुजारा कर जब रहा मैं हूँ लोगों, भाई। अरे मेरी बात तो सुनो, जब मैं बट सबसे ये है पैसे कि हाँ, मांगता मैं हूँ, किसी कोई बहन का लोड़ा कहने वाला नहीं है कि मैंने किसी के पैसे खा रखे हैं। अरे सही बात है, मैं आपको वही बात पे आ रहा हूँ। आपसे मैं 1 साल से बात करता हूँ, मैंने कभी आपको बोला कि आप मुझे 5 रुपए भी दे दो, या गोल्डी भाई आपको बोला हो, या गुरप्रीत पाजी ना आपको? ना, तो कभी कभी राम राम के अलावा और कोई बात नहीं, प्यार बिल्कुल, मोहब्बत। अभी एक बात आई, पता नहीं, मैं अभी देख रहा था कि मेरे 46,000 किसी के ऊपर है। तो पहले तो जो लोग मुझे बोलते हैं मैं भिखारी हूँ, तो भिखारी 46,000 किसी के साथ खेल कैसे लेगा? तो या तो तुम, दो चीजों में से एक चीज है, भाई 46,000 का कौन सा भिखारी खेल लेगा भाई? और अगर मैं भिखारी भिखारी नहीं हूं तो आप मुझे भिखारी क्यों बोल रहे हो? और भिखारी हूं तो मैंने 46,000 कैसे जीत लिए भाई? मुझे पता ही नहीं लग रहा हो क्या रहा है, कोई कुछ बोल के जा रहा है। और रही दूसरी बात भाई, मैं प्रमोशन करने का पैसा लेता हूं, वो कोई भी हो। अगर गोल्डी भाई का कोई प्रोफेशन है तो वो नॉर्मल प्रोफेशन के चीज है, सही पैसे बात कोई भी है, लेता है, ठीक है? मैं सब प्रमोशन लेते के हैं। पैसे देता हूँ, बाकी कोई बंदा ये बोल दे कि 5 रुपए किसी ने फ्री में दिए हो तो भाई सामने आ जाओ। भाई मैं सही बात प्रोफेशन है, के लेता हूँ पैसे हाँ भाई, तो अगर मैं सीधी किसी बात के है, इतनी मेहनत की आईडी पे जाते तो भाई नॉर्मल चीज लगाएगा तो लेगा, भाई, सभी लेते हैं, कौन नहीं ले रहा। मैं तो फर्स्ट डे से लेता हूँ भाई, वो मेरा काम है लेने का। और जो भाई मेरे को बोलता हूँ ना, मैं हवाबाजी करता तो भाई देखो, गरीब का मैं आज घर तुम्हें सारी चीज दिखाऊंगा। मैं कह रहा हूँ जो अभी आज मैं पूरे घूम कर रहा। इमोशनल क्यों हो रहा पगले? अरे नहीं यार, रुको पाजी, तुम 1 सेकंड। अरे तो भाई लोग नहीं, ये सही कह रहा है, ये ये बंदा ना सही सुनो कह रहा है। सुनो, देखो ये भाई, मैं पेटीएम, जो लोग बोलते हैं ना मैं भिखारी हूँ, पेटीएम मांगता हूँ और अकेला रहता हूँ मैं इतने बड़े फ्लैट में,
ठीक है, आरओ, ये जो तुम बोतलें मंगाते हो ना, मैं आरओ का पानी खुद लेता हूँ, और ये मेरा किचन ही देख लो, इसी से पता लग जाएगा, ठीक है? बड़ी गंदी किचन है यार। अरे रुक जा पाजी यार, तू जो मजाक तो दे बहन के, लड़ तू क्यों इमोशनल हो रहा है बहन, क्यों इमोशनल हो रहा है भाई, देख लो भिखारी के जूते ही जूते देख लो, मैं भिखारी हूँ ना, तो भिखारी का और अकेला रहता हूँ, माँ की कसम कोई मेरे साथ नहीं रहता, इस पूरे फ्लैट में अकेला रहता हूँ मैं, तो ये भिखारी हूँ मैं जो समझ नहीं आता चीजें क्यों दिखा रहा है तू। अरे मैं इसलिए दिखा रहा हूँ ना, तो सारा दिन लोग ये बोलते हैं ना, कोई बोलता है चलो 80 खा लिए, कोई बोलता है ये भिखारी। अरे गोल्डी भाई ऐसा है, अरे गोल्डी भाई आप लोगों का, मेरे को सिर्फ ये बताओ, गोल्डी पहलवान जी, उस्ताद जी पहली चीज तो कोई तुझे ट्रांसफर ही नहीं करेगा 80,000 रुपए, इतने तो चूतिया मैं भी नहीं। 800 रुपए नहीं करेगा कोई, 80,000 तो बहुत दूर की बात है। अरे जो 80,000 करेगा ना, दो इंस्टाग्राम का ठेकेदार, ये तो तुम्हारी स्क्रिप्टेड लाइफ थी। गुरप्रीत मैं तो बोल रहा हूँ 80,000 जी जी उसके बर्तन। गुरप्रीत भाई एक बार, गोल्डी भाई, आदित्य बलियान भाई एक मिनट मैं बताता हूँ, गोल्डी भाई एक बात बताओ, ये बंदे ने कुछ भी खाया किसी का या कुछ भी है, अगर किसी से दोस्ती है कुछ भी है तो लाइव पे बोल देना, दिखा के पूरी पब्लिक के सामने, वो सही है या पीछे बुराई करना किसी से? पीछे बुराई करना तो भाई औरतों वाला काम है, औरतों वाला काम है ना। मेरे पास सूफी की कॉल आई थी, भगवान कसम देख मैं कसम खाता हूं, भोलेनाथ के मानता हूं, भोलेनाथ की कसम, मेरे लिए आदित्य को मैंने पर्सनल बताया इसके लिए, वो बिगर बात कहता है भाई वो बहन का लंडा बड़ा, वो दोगला है, दुनिया के आंडे चाटता है अंदर ही अंदर और खुद बढ़िया बना रहता है। भाई मुझे ये बताओ इसने ऐसा क्या काम कर लिया? सुनो एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, गोल्डी भाई नो डाउट, गोल्डी भाई एक बात बताना, गोल्डी भाई का बताओ, गोल्डी भाई का लाइफ में मस्त रहता है, ये कौन सा टाटना हो गया? रुको सुनो सुनो, अभी गोल्डी पहलवान भाई को भी जवाब देता हूँ। भाई अगर मैं आपको भाई कहके बोल रहा हूँ तो मैं आपसे पैसा लेना चाहता हूँ, या आप इतने फेमस हो या मैं आपसे डरता हूँ? नहीं नहीं नहीं, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ हमसे तो तूने इज्जत से ही बात बोलूं, और कहीं तेरी कोई सुन, तो फिर इज्जत करना किसी का नहीं होता, वो इज्जत करता है इसलिए भाई मानता है। पहले मैं ये कह रहा हूँ कि अगर तेरी कोई कहीं काट हो भी रही होगी, कहीं तेरी गांड कोई ले भी रहा होगा, हमने तो ये कहा होगा नहीं भाई हमारी तो इज्जत करता हो। हाँ। तो मैं वही तो कह, तो मैं उसी बात को तो कह रहा हूँ, तो मैं तो आपकी खुद रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं तो आपको बोलता हूँ कि हाँ भाई आप भाई हो, राम राम। अब भी मैंने आपसे क्या करा, राम राम भाई हो, किसी से डर के थोड़ी किया मैंने। अरे ये मर्जी में, अरे कोई किसी से नहीं डरता, शर्म होती है एक दूसरे की, मैं उसी कौन डरता है? बोल रहा हूँ, और नहीं टट्टागिरी का मतलब क्या होता है मुझे बताओ, अगर मैं हिंदुस्तानी भाव से मेरे संबंध है वो उस बंदे के घर में 12 दिन रुका तो मैं टट्टागिरी करके रुका हूँ भाई, लिंक है मेरे, और ऐसी भी लाइव भेज दूंगा जिसमें। अरे तो लिंक वो टट्टागिरी करके तो बने हैं, काहे के लिंक है? कमाल की बात है, कमाल। तो तुम्हारे भी फिर दीपक कलाल से टट्टागिरी करके बनोगे? दीपक कलाल से तुम्हारे वैसे दीपक कलाल तो हमारे सुबह शाम फोन करता है, वो तो कहता है तो अभी तो करते, पहले दिन थोड़ी करता था। अरे पहले केक काटो तो केक काटा भाई उसका, केक काटा, सही बात है। अरे उससे वो थोड़ी ना हो गया, छोटा थोड़ी हो जाते हैं। सुन ले कभी उससे ये नहीं कहा कि भाई स्टोरी लगा दे, ये कर दे, वो कर दे, मेरे को फेमस कर दे, कभी किसी को भी तो नहीं। मैंने भी तो हिंदुस्तानी भाव को कभी नहीं कहा कि मेरी स्टोरी लगा दो, मैं भी 6,000 की फ्लाइट से जा रहा हूं, मैं अपने ऊपर क्यों ले रहा है? और सब देखो सुनो, मुझे बता अभी गोल्डी भाई कमाल भाई, आप बच्चों वाली गोल्डी, नहीं सुनो गोल्डी भाई बात कर दी भाई, जो सच बात है सच करी आदी, बुरा मत मान, टट्टागिरी वर्ड किसको बोलते हैं? अरे मुझे एक बात, अरे पहले मेरी सुनो, बाप मेरी सुनो, टट्टागिरी वर्ड किसको बोलते हैं मुझे आप ये तो बताओ भाई, मतलब अगर मेरे किसी से लिंक है तो इसका मतलब तो फिर मूवी छोड़ दो, किसी को मत देखो भाई, किसी को मत बोलो। अब मेरे तो जो बिग बॉस में एमसी स्टेन है उससे भी मेरे संबंध है, बिग बॉस के बाद में तो एक वेब सीरीज में काम करने वाला हूँ, बताओ वो भी टट्टागिरी कर दी मैंने भाई? देख सबको पता है कौन क्या है, कौन सबको सबको सब पता, सबको है, हमें भी पता है, सबको पता है कौन क्या है कौन क्या नहीं है, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। मैं आपने बोला मैंने देख सुन मेरी बात, तू भी मेरी इज्जत करता है, मैं तेरी इज्जत करता हूँ, पाजी मेरी इज्जत करता है, मैं पाजी की इज्जत करता हूँ, गोल्डी अर्थाना मेरी इज्जत करता है, मैं उसकी इज्जत करता हूँ, मुझे किसी का बुरा बोलने की जरूरत ही नहीं, बट जो मैं जो मुझे लगता है वो मैं बोलता हूँ, मेरी निपटती तो मैंने किसी के बस की कुछ भी करके दिखा दो। आपकी बात सही है, तो मैं उसी चीज, मैं आपसे उसी चीज का तो आंसर मांग, चुप तो कर, हंसी की बात है, चुप कर हंसी की बात है। प्रधान जी, उस्ताद जी, हम क्यों बढ़ेंगे आपकी जांडों के बाल यार, क्या हम गंदे काम क्यों करेंगे? वैसे भी क्लीन रखता हूँ मैं,
हम क्यों पाले झंडो के बाद भाई देख गुरप्रीत गुरप्रीत भैया बोल दिया भाई सुनो गोल्ड भाई एक बार बताइयो आप सुनो ये फिलहाल के टाइम पे तुम्हें पता है सूफी और पनोड़ी लड़ाई है मेरी सबको पता है ठीक है इस बंदे ने जब कॉल करी था ना भाई भगवान का आदित्य आदित्य मैंने पर्सनल तेरे को एक और बंदे का नाम लिया था वो कौन था अपने मुंह से बता किसका नाम था यही बंदा था पनोड़ी मैं नहीं बोल रहा नहीं पनोड़ी के लिए भी ये कहता है भाई वो वहां बैठा ना वो बहन का लंड भाई ऐसे ऐसे ही करता हूँ सबके साथ ना और भाई मैं पर लेकिन मैं क्या करूं मैं शुरू से जुड़ रहा हूँ मेरे सामने सर मैंने उससे बोला सुन मैं सो रहा हूँ मेरा आगे तू बकचोदी ना कर जिसका तुझे बढ़िया रहना बढ़िया रहे जिसकी बुराई करनी कर मैं दोगला आदमी नहीं हूँ मैं तो जिससे दिल जुड़ गया जिससे बात कर ली मुझे मतलब नहीं दुनियादारी से अभी सूफी की दो महीने पहले गोल्डी पहलवान भाई के साथ भी इतनी हुई थी कि गाड़ी के कागज दिखाए दिखाए ये भी आदमी के साथ बैठे तो फिर इसको क्या बोलेंगे भाई अगर आपकी बिल्कुल अलग है तो आप उसके साथ ही क्यों बैठे तुम दो महीने पहले तो अरे तो उसके साथ ना डेली डेली नहीं बैठता डेली बैठता तो डेली बैठना एक बार बैठना बात तो जिस बंदे ने 10 बार रिक्वेस्ट भेजी होगी ना 10 बार रिक्वेस्ट भेजी होगी तब ऐड होता होती पहली चीज तो दुनिया जानती है मैं कितनी लाइफ पे आता हूँ गोल्डी से पूछ अरे ले वो तो बात सही है फिर आप मेरे बारे में क्यों बोल रहे मेरे को उसने 10 बार 10 बार रिक्वेस्ट भेजी तो मैं ऐड हुआ मेरे लंड पे ठंड ठीक है रिक्वेस्ट से क्या होता है जब एक बार वही वाली बात है भाई चलो उस्ताद जी अब ये बात तो मान पनोड़ी ने तेरी 50 बार मां चोदी है 50 बार गांड वाले में भी जा जाके बैठता ये होती है टट्टागिरी अब सुन ले ये होती है टट्टागिरी मैंने भी उसकी की थी जब कोई एक मैटर हुआ था मैंने भी उसके लिए किया था पार से तुम्हें पता है ये होती है टट्टागिरी तेरी कितनी गांड मारी फिर ये होती है टट्टागिरी जाके बैठता तो है ये तो तुम्हारी सूफी ने गांड मार ली थी कि तुम्हें कैसे कैसे बोला था कि दिखा पोर्च के कागज तू यहाँ रहता है तो दिखा दिए पोर्च के कागज दिखा दिए तो फिर देखो तो फिर तुम वो देखो ना फिर देख दिखा के फिर तुम उसके साथ लाइव पे आगे फिर उससे बात करने लगे अरे तो आप 10 बार रिक्वेस्ट भेजी तो आया ऐसे क्या होते हैं एक बार कान पे थप्पड़ मार दो फिर 2 साल तक फिर की रिक्वेस्ट कर ली पैरों में गिर गए इसलिए हो गया अरे तो हमने नहीं मारी कान पे रिक्वेस्ट ये तो मानते हो कि चुप कर देते हैं भाई छोड़ दे टॉपिक को ये तो मानते हो कि सूफी पनोड़ी भाई का चट्टा है कोई तो हाँ बोलो तीनों सुन हो गए हो हाँ ये तो सबको पता है लेकिन वो बंदा पीछे बुराई करता टट्टा होने के बाद भी समझ में नहीं आया अच्छा बात सुनो 10 बार सुनो 10 बार सूफी ने सॉरी बोला था पनोड़ी ने एक बार भी तो ये सॉरी नहीं बोला आदित्य तेरे से कह रहा हूँ अरे भैया मुझे क्या कह रहे हो तो मैं तो स्क्रिप्टेड लाइव चलाता हूँ मैं तो बोलता हूँ मैंने तो अभी 80,000 की यहाँ बोल दी कि मेरा चल रहा था मेरा स्क्रिप्टेड था भाई ये स्क्रिप्ट तभी तो मैं कह रहा हूँ अरे तो तुम्हें उससे ले जब हमारी स्क्रिप्टेड लाइव चलती है यहाँ तक दस बार यहाँ रियल भाई आदित्य बारे में हिंदुस्तानी बात के लिंक है भैया मैं बहुत जल्दी बहुत बड़े प्रोजेक्ट में काम करने वाला हूँ अरे तू सुन तू बहुत बड़े प्रोजेक्ट में काम कर मैं तो खुशी होगी भाई तुम मैं वही तो कह रहा हूँ तो तुम क्या कर रहे हो कि तुम अपने आप ही में मैं आपके लिए कुछ बोला नहीं आप आके भाई घर क्यों दिखा रहे मेरी मैंने कब बोला तेरे लिए कुछ मैं तो खाऊंगा लिए जा रहा तो लिए जा रहा तुमने यार गोल्डी भाई का नशा करके बैठे होगे तुम अभी तुमने बोला कि भाई तू घर क्यों दिखा रहा मैं तुम्हारे लिए बात ही नहीं बोल रहा था मैं उनको बोल रहा था वही चीज है घर क्यों दिखा रहा पब्लिक को क्यों दिखा रहा क्या दिक्कत हो गई भाई तुम गाड़ी क्यों दिखा रहे हो तुम भी कहीं झोपड़ी में बैठ के लाइव चला लिया करो घर या फिर वो क्यों दिखाना कि भाई आज मैं सट्टे में इतना भाई मेरा तो रियल का घर है तेरा घर के कागज दिखा मैं क्यों अरे मैं तो कहेंगे मैं तो कह रहा हूँ जो मैं अरे भाई जो बंदा रेंट पे अकेला बंदा इतना रह सकता है उसका रियल देखो कितना होगा तो इस दिमाग को गलत फहमी निकाल देना हो सकता है मैं बहुत बड़े कितना रेंट होगा कितना रेंट होगा 20,000 होगा 22,000 होगा और क्या होगा इसका रेंट हाँ तो कोई बात नहीं मैंने तो आपसे कंपेयर ही नहीं किया मैंने तो आपसे कंपेयरिंग अभी अभी तू कंपेयर कर रहा है अभी तू कंपेयर करने वाली चीजें भी बोल अरे भाई मैंने तुमसे मैं घर तुम्हारे लिए नहीं दिखा था मैं उनको बोल रहा था जो लोग बोलते हैं तुम खाम खाम अपने पे लिए जा रहे हो आज तुमने दारू पी ली है फ्री वाली क्या बोल रहे हो यार मैं आती तुम्हें मेरी बात सुनो मैं तुम्हें आती राम राम की क्योंकि कि ठीक है भाई रेस्पेक्ट करता हूँ कुछ भी बोले जा रहे हो छोड़ यार अरे काम का यार मैं इस बंदे को कुछ बोल अरे मैं तो ये कहता हूँ भाई देखो अपना तो ये मानना है कि जिस तरह दिल लग यार जो बात होगी ना गाली मत दो मैं तो सबके सामने बोला था आदित्य से मैंने बोला था
कि भाई तूने किसी बंदे को ऐड कर लिया था, मैंने मैसेज किया तो आदित्य कह रहा मुझे उस चीज है, तो इस बंदे को मैंने उस टाइम पे गाल दी, वरना मैंने इससे बोल दिया आदित्य मेरा तेरे से कोई मैटर नहीं है, मैं कभी नहीं करूँ। वो तो मैं गलती हुई थी, उस कारण हुई थी भाई, तूने उस बंदे को ऐड किया उस टाइम पे, मैं मैसेज किया तो पता नहीं था तुरे को, इसने सबा बोला। नहीं भाई देख मैं तो सबा कहता हूँ ये बंदा ना बहुत बहुत ही अपने दम पे उठा है, अपने दम पे जो कुछ है, मेरा कोई मॉल के पैसे में इन्वॉल्व है, मैंने दोस्ती यारी में हमी भरी, कल को मेरे को दिक्कत हो जाए, मेरे को परिवार को गाली दे कोई 10-20 हजार के लिए, तू कहेगा यार गुरप्रीत कोई ना जी वो देने मान जाऊ, मैं देने हैं तो मैं मान जाऊ, हाँ यार देने हैं, मैं नहीं देता, तू कहेगा मैं दे रहा हूँ यार, तू गुरप्रीत मेरे को दे दियो, आदित्य कहेगा जब मैं दे रहा हूँ गाली मत सुनाओ है ना, तो ऐसी राठी से मेरा प्यार, इसमें क्या दिक्कत है? और भाई मैं किसी को देने, अभी सुनो अभी जो गोल्डी भाई वो कह रहे थे 80 हजार की स्क्रिप्टेड, और ये कौन सी स्क्रिप्टेड थी जब सूफी ने ये बोल दिया था कि आदित्य बालियान मेरा मरा हुआ फोटो वायरल कर दो, लोगों को बोल के मैं मर गया, नारियल पे पहिया चढ़ गया मर गया, वो कौन सी? मैं तो 80 हजार की स्क्रिप्टेड कर रहा हूँ, वहां तो बहनचोद आदमी ने अपने आपको मार दिया था, और मुझे नहीं मुझे ये इतना नहीं, तुम्हारी ऐसे दोस्ती रहती है ये सब कुछ होता है, तो मेरे समझ में नहीं आता ये बंदे आपस में क्यों कर लेते हैं ऐसा, बुराई कैसे बांध देते हैं दूसरे बंदे के लिए? हमने आज तक हम किसी के साथ रहे हैं, सुमित के लिए बोलते हैं लोग, चाहे मेरी 10 बार बात हो जाए खत्म हो जाए कुछ हो जाए, कोई ये नहीं कह सकता अगर मैंने सुमित के लिए बुराई की हो। देखो बंदा वो होता है, देखो प्यार में खत्म कर दो, बुराई करने वाला बंदा होता है देखो नीच गंदा, देखो बुराई नहीं करनी चाहिए कभी ना किसी की पीठ पीछे, बुराई नहीं करनी चाहिए, जिससे दोस्ती कर ली सॉरी बात खत्म कर दो, क्या दिक्कत है?